डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रेणुका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है और देखिए न्यूज 18 इंडिया देखा जा रहा है इस वक्त। मध्य प्रदेश के अब संभावित मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सुनामी, मतलब एक बड़ा फैक्टर मैं जानना चाह रहा हूं, बहुत सारे आप बताएंगे लेकिन कोई एक बड़ा कॉमन फैक्टर, हिंदी पट्टी 3-0 से आप लोग जीत रहे हैं, 3-0, 159, 106, 54, कोई एक कॉमन फैक्टर सुधांशु त्रिवेदी? द फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज नाउ द पॉलिटिक्स हैज बिकम मोडिफाइड, MODIFIED। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने चार आयाम की राजनीति की है, नंबर वन कल्याणकारी कार्य, गरीबों को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करना, नंबर दो विकास के कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर तीन सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इस्टैब्लिश करना, और नंबर फोर्थ सांस्कृतिक गौरव। इन चारों को मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो स्थापित किया है, यह उस राजनीति के प्रति जनता का एक विश्वास है और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमने पिछले तीन पीढ़ियों से जो आधार बनाया है, आज हमारे पास मोदी जी जैसा एक नेता है जो देश में ही नहीं, मॉर्निंग कंसल्टेंट के हिसाब से पूरी दुनिया में पिछले कई वर्षों से लगातार सबसे लोकप्रिय। और यहां पर एक और बात है, यह क्रेडिबिलिटी की पॉलिटिक्स की भी जीत है। क्रेडिबिलिटी क्यों कह रहा हूं सुधांशु जी, आखिरी समय में आप अनाप रेणुका ले लेते हैं हमारे साथ, रेणुका जी लगता है हाँ कंप्लीट कर लीजिए आप सुधांशु जी, अब आप कंप्लीट कर लीजिए सुधांशु जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब राजस्थान में 15वां साल है अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहने का, तीनों टर्म मिला दें, जब 15 हफ्ते रह जाते हैं तब आप आनंद फानंद में तरह तरह के कमिटमेंट करना शुरू करते हैं, जनता को साफ समझ में आता है कि आपके मन में क्या था और ये छटपटाहट है कि ईमानदारी। हम करते हैं गरीबों के लिए, पहले बाकायदा विचार करते हैं, सर्वे करते हैं, टारगेट करते हैं सेगमेंट को, तब देते हैं। तो मोदी जी की गारंटी है, बाकी ढपोर शंख है वो यह भी दिखाई पड़ रहा है चुनाव परिणाम। अच्छा, इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, मतलब इन चुनावों में ये इतनी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी के चेहरे पर जो चुनाव संभवतः लड़ा गया, तो इस चुनाव में हार के बाद इंडिया अलायंस का फ्यूचर आपके हिसाब से सुधांशु त्रिवेदी, और ब्रांड राहुल की भी बात कर लेते हैं? देखिए मैं इसको दो डायमेंशन में देखता हूं। देखिए इन चुनाव परिणामों के बाद निश्चित रूप से भले ही ऊपर से इंडिया अलायंस कहे कि उसे दुख हो रहा, पर इंडिया अलायंस के ज्यादातर घटक जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी होगी, नीतीश कुमार जी भी होंगे, अखिलेश जी भी होंगे, शरद पवार जी होंगे, उनके दिली दिल में लड्डू फूट रहे होंगे कि अब हम हकीकत में जो चाहेंगे वो करवा पाएंगे। तो हो सकता कांग्रेस के दिल में मुहर्रम हो और उनके दिल में ईद हो रही हो कि अब इंडिया अलायंस में कस के खींचातानी होगी। परंतु एक संकेत है, यदि तेलंगाना में यह दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस की तरफ जा रहा है क्षेत्रीय दल को छोड़, लेकिन इससे पहले जेडीएस को छोड़कर कर्नाटक में गया, तो मानी हुई बात है ये क्षेत्रीय दलों के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है क्षेत्रीय दलों के माथे पर बल शिकन पड़ने वाली बात है। लेकिन सुधांशु तेलंगाना में, सुधांशु त्रिवेदी जी आप बीजेपी के सांसद हैं, तेलंगाना में कांग्रेस को जो एक बड़ी बढ़त मिल रही है वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है, दक्षिण कांग्रेस युक्त हो गया है कर्नाटक के बाद तेलंगाना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो गेम खेल रही है उस गेम में सफल हो रही है खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में? देखिए मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि दक्षिण की जहां तक बात है तो वास्तविकता यह है कि कांग्रेस, हम तेलंगाना में जी हमने मजबूत लड़ाई लड़ी थी, तेलंगाना में हमने लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया, पर कई बार होता है पहली बार में आप लंबी छलांग नहीं लगा पाते। 91 में हमने सरकार बनाने का दावा किया, 120 सीटों पे रह गए थे, फिर 96 में 160 पे आए, फिर 98 में बहुमत का नेतृत्व किया, आज मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है। परंतु दक्षिण के जो राज्यों की बात है, कांग्रेस वहां पे आई जहां वो डिफॉल्ट आने की स्थिति में थी, मुख्य विपक्षी दल थी, इस कारण से उन्हें प्राप्त हुआ। तो मैं मान रहा हूं दक्षिण के राज्य और घबरा गए होंगे इससे। अब डीएमके के मन में सबसे पहले खतरे घंटी बजेगी, जिसके सनातन धर्म के विनाश करने के स्टेटमेंट को लेकिन 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 जो इनिशियल लेकिन आज सबसे बड़ी घबराहट उनके मन में, सुधांशु मैंने इसका जिक्र पहले भी करा, जो इनिशियल अपडेट है वो ये है कि अल्पसंख्यक का बड़ा वोट कांग्रेस को गया है, इसीलिए AIMM जो कि ओवैसी की पार्टी है जिसने पिछली बार 7 सीटें जीती थी वो 3 जीत रही है, उन इलाकों में भी कांग्रेस कूच कर रही है, यानी मुसलमानों ने कांग्रेस को ओवैसी से ऊपर रखा है। क्या आपको लगता नहीं है कि देश भर में अगर ये ट्रेंड देखने को मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर मुसलमान कांग्रेस को ऊपर रखेंगे,
ऐसे ही बाकी प्रदेशों में रखेंगे तो वो बाकी दलों के लिए सेटबैक है, जिसको मुस्लिम वोट मिलता आया है परंपरागत रूप से, उसे कांग्रेस में खौफ दिखाई दे रहा है। और अब तो घटक दल भी कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस को मुस्लिम डिप्टी सीएम देना पड़ जाएगा। देखिए अमीश जी, मैंने जो अभी अपना वक्तव्य दे रहा था उसके अंतिम वाक्य में तो यही था कि जो मुस्लिम वोट पहले जेडीएस से छिटक कर कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ गया, अब बीआरएस से छिटक कर तेलंगाना में कांग्रेस तरफ जाता दिख रहा है, यह सबके माथे पर शिकन लाने वाला है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या डीएमके के स्टालिन हो। क्योंकि इसको मैं लाइटर नोट पे कहूंगा, इनको गीता का ज्ञान समझना चाहिए। गीता में कहा जाता है ना, कल किसी और का था, आज तुम्हारा, वो कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। जो आज क्षेत्रीय दलों के पास मुस्लिम वोट है वो पहले कांग्रेस के पास था, यानी यस्टरडे, अब कल उन्हें डर लग रहा फिर कांग्रेस के पास ना पहुंच जाए। तो मुझे लगता है अब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा, या उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक के बीच में सीटों का बंटवारा और पेचीदगी में फंसने वाला है, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये अब आपसी खींचतान और बढ़ाएगा। एक सवाल, ओबीसी या कास्ट सेंसस पर भी एक तरीके का रेफरेंडम, ये जनादेश, ये देश का जनादेश है, कास्ट सेंसस पर देश का जनादेश रेफरेंडम कह सकते हैं? देखिए मैं एक और बात कहूं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो भी सलाहकार थे, आज तक कभी ऐसा होता था जात का मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय दल उठाते थे, कभी राष्ट्रीय दल जात का मुद्दा नहीं उठाते थे। कांग्रेस ने पहली बार जात का मुद्दा उठाया शायद राहुल गांधी जी के सलाहकार, राहुल गांधी जी का जो जन्म का समय था 1970 के आसपास की राजनीति में उलझ गए, जब ये कहा जाता था कि क्लास की पॉलिटिक्स होती थी, अगड़ा पिछड़ा दलित, अब वो दौर चला गया, अब देश की, और उस समय देश की साक्षरता दर सुधांशु मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन एक बड़ी अपडेट दे देता हूं मैं इलाकों के हिसाब से। महाकौशल, मध्य प्रदेश बीजेपी जीत रही है, इसके अलावा चंबल ग्वालियर बेल्ट बीजेपी जीत रही है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई संभागों में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन गहलोत का किला उस तरह से नहीं हिल रहा जोधपुर वाला जिस तरह से हिलना चाहिए था, अभी तक की यह अपडेट है। गुजर बेल्ट के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, 11 सीटों पर बीजेपी आगे देखने को मिल रही है, 11 से 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर मैं एक अपडेट दे दूं, परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है, संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है, बहुत अच्छी जीत है, मध्य प्रदेश के जनता को एक सबको बधाई। सर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर। तो अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी की, हिंदी पट्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान 3-0 से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, मध्य प्रदेश में क्लियर मैंडेट 116 मैजिकल फिगर, 160 क्लियर मैंडेट, राजस्थान की बात कर लीजिए 199, 107 क्लियर मैंडेट स्पष्ट जनादेश, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए 90, 46 बहुमत का आंकड़ा, 54 बीजेपी क्लियर मैंडेट, तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिलती नजर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन हमें एक बार सुधांशु, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सुधांशु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस पार्टी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए अब वो तो आचार्य हैं तो कह सकते हैं, अगर श्राप की हम बात कहें तो जब से कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन किया था कांग्रेस ने, अब इसे संयोग मान लीजिए या दैव योग मान लीजिए, उसके बाद से कभी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उस समय 400 की मेजोरिटी थी राजीव गांधी जी। अब इसलिए दर्शकों को विवेक पे छोड़ता हूं, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये राजनीति ये दर्शाती है कि अब आप मुखौटा इतना बदल के राजनीति नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हिंदू राष्ट्र जैसे विषय पर भी घुमा फिरा के समर्थन कर जाएंगे, और वहीं आप तमिलनाडु में हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और उसका मौन समर्थन करेंगे। लेकिन रैली ये जमाने चले गए 40 साल पहले, जब तमिलनाडु में क्या हुआ है मध्य प्रदेश में पता नहीं लगता था। अब हनुमान भक्त कमलनाथ ने इंडिया अलायंस की रैली नहीं होने दी थी, लेकिन कमलनाथ क्या करते, कमलनाथ ने तो मेहनत करी, आज जो ये जो कम्युनिकेशन है, जी जी मैं यही कह रहा हूँ, ये जो आप कम्युनिकेशन में सबको सब पता रहता है भारत में कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तमिलनाडु में बोल के तमिलनाडु में रहेगा, हर बात
हर जगह पहुंचती है, चाहे कमलनाथ ने अपना चुनाव अच्छे से लड़ा, तो अब लेकिन ये पार्टी पार्टी जब जब पार्टी नहीं खड़ी थी वहां पर तो कमलनाथ कितना चुनाव जितवा लेंगे। अशोक गहलोत ने भी अपना चुनाव ठीक लड़ा लेकिन जब पार्टी नहीं खड़ी थी तो कैसे चुनाव लड़वा लेंगे। भूपेश बघेल अकेले लड़ते हुए दिखाई दिए, तो इन सब चीजों का नुकसान हुआ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं सुनामी है ये भारतीय जनता पार्टी की, तीनों पूरे हिंदी पट्टी के अंदर, और तेलंगाना में कांग्रेस की प्रचंड और बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरुण का भी हम रुक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि तीन चीजें बहुत बड़ी है। इस समय जो सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग पूरी कैबिनेट का सफाया हो रहा है। भूपेश बघेल अपनी सीट बचा पाएंगे नहीं बचाएंगे उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 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 भारतीय जनता पार्टी का नंबर अब छत्तीसगढ़ में 55 जाता हुआ और राजस्थान में 110 टच करता हुआ और मध्य प्रदेश के तो क्या कहने 160 के पार, और कांग्रेस कंफर्टेबल है अब तेलंगाना के अंदर 66 पर। यह एक बड़ी अपडेट है। सीधा अरुण सिंह का हम रुख कर सकते हैं, अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण, ओवर टू यू, क्या अपडेट है, क्या आपको लगता है कि हुआ क्या है ये? देखिए, एक छोटी सी तस्वीर दिखा के मैं बताऊंगा कि बीजेपी की बस इतनी सी कहानी है, प्रधानमंत्री से शुरू है और प्रधानमंत्री पर खत्म है। आप ये पोस्टर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण ऊपर लिखा हुआ है, वहां से शुरू है, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह होते हुए प्रधानमंत्री पर ही खत्म है। तो प्रधानमंत्री की बस यही कहानी है कि बीजेपी के लिए वही सबसे बड़े चेहरे हैं, वही सबसे बड़े वोट पुलर हैं, वही सबसे बड़े जो है वोट खींचने वाले नेता। आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में सेल्फी का दौर शुरू हो गया, भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन के, ये युवा नेता हैं आप लोग, युवा नेता क्या कहेंगे 160 सीट मिल रही है आप लोगों को अभी तक रुझानों में? अरे भाई बात करो बताइए क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है हमको, और हमारे बीजेपी की तरफ से हमारे युवा नेता जीतेंगे। ये देखिए, ये जो युवा नेताओं का दल है इसका नेतृत्व कौन करेगा अभी तय नहीं हुआ है। लग रहा है कि मुख्यमंत्री का जिस तरह से अभी तय नहीं है कि कौन बनेगा, शिवराज सिंह ही कंटिन्यू करेंगे, कोई और बनेगा, उसी तरह इनका नेता तय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर ढोल नगाड़े बहुत देर से बज रहे हैं, बीच बीच में थक जाते हैं ये लोग, और उसके बाद ढोल नगाड़ा बजाने लगते हैं, फिर बीच बीच में थक जाते हैं। अब आप लोग ढोल नगाड़ा बजा के क्या साबित कर, क्या आप लोग पार्टी कहेंगे ऐसे आए? ठीक है अरुण, आपके पास आएंगे ढोल नगाड़े, लड्डू शड्डू पहुंच रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे,